हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बिजनेस एथिक्स। बिजनेस में एथिक्स क्या होते हैं और कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, इसके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फर्स्ट यूनिट के वो हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमारा सब्जेक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बिजनेस एथिक्स। देखो, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ना आप जनरली सोच के चलना एज अ कॉमन लेमैन। अब देखो, बिजनेस एथिक्स आपको पता है यार, कोई भी बिजनेस है तो उसमें एथिक्स होने बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम जनरल लैंग्वेज में बात करते हैं, एथिक्स का मतलब क्या है? मॉरल्स होना, कि आप पूरी सोसाइटी को साथ में लेके चल रहे हो, ये सब चीजें ही देखते हो ना। सो वही सेम चीजें हम जानेंगे इसमें। ठीक है, बेसिक चीजें हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। सो एथिक्स है वो एक ग्रीक वर्ड से डराइव हुआ था जिसका मतलब है एथिकोस। एथिकोस का मतलब क्या होता है? एथिकोस का मतलब होता है करेक्टर, मीन्स, नॉर्म्स, मॉरल्स, आइडियाज, कि कोई भी सोसाइटी में या कोई भी ग्रुप में क्या क्या करेक्टर, नॉर्म, मॉरल्स प्रिवेल कर रहे हैं। सो एथिक क्या है? इंक्वायरिंग इनटू द नेचर एंड ग्राउंड्स ऑफ मॉरालिटी। सो बेसिकली एथिक्स में हम ग्राउंड्स ऑफ मॉरालिटी देखते हैं कि क्या चीजें मॉरल जजमेंट में सही मानी जाती हैं, क्या गलत मानी जाती हैं, क्या सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स हैं और रूल ऑफ कंडक्ट है। तो आप ये वाली डेफिनेशन याद कर लो कि बिजनेस में एथिक्स क्या है। बिजनेस एथिक्स का मतलब होता है कि क्या मॉरल प्रिंसिपल्स और क्या मॉरल वैल्यूज हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल्स का बिहेवियर गाइड करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो बिजनेस एथिक्स रेफर्स टू द मॉरल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज। ठीक है, तो जितने भी मॉरल प्रिंसिपल्स हैं एंड वैल्यूज हैं दैट गाइड द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स इन द बिजनेस वर्ल्ड इज कॉल्ड बिजनेस एथिक्स। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, यू कैन अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन और लर्न दिस डेफिनेशन। तो अगर किसी भी बिजनेस वालों को बिजनेस एथिक्स आते हैं तो ऑब्वियसली वो जितने भी डिसीजंस लेंगे वो कैसे होंगे? एथिकल होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे, सस्टेनेबल होंगे। और वो सारे के सारे स्टेक होल्डर्स, बिजनेस के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं बिजनेस में? कस्टमर्स हो सकते हैं, एम्प्लॉयज हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स हो सकते हैं और जितने भी कम्युनिटी है उन सबका ध्यान रख के लेंगे। तो बिजनेस एथिक्स के साथ क्या होता है कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है वो बहुत ज्यादा एथिकल हो जाता है, रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, क्योंकि वो पूरी सोसाइटी को, पूरे स्टेक होल्डर्स को साथ में लेके चल रहे हैं। तो जब भी हम बिजनेस एथिक्स पढ़ते हैं, आपको पता है कि बिजनेस हमेशा क्या होना चाहिए? एथिकल होना चाहिए। बिजनेस कोई भी ऐसे काम में इंडल्ज नहीं होना चाहिए जो चीजें अनएथिकल हो। तो जब भी हम बिजनेस एथिक्स पढ़ते हैं ऑब्वियसली हम ब्रॉड रेंज ऑफ टॉपिक्स पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने बहुत बार सुना होगा सीएसआर। सीएसआर क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? एथिकल लीडरशिप, इन्वायरमेंट को भी लेके चलेगा क्योंकि इन्वायरमेंट ही है जिसमें हम सबने सर्वाइव करना है। सो फेयर लेबर प्रैक्टिसेस, ऐसे नहीं कि आप लेबर का एक्सप्लॉयटेशन करी जा रहे हो, करप्शन करी जा रहे हो। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एथिकल लीडरशिप, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये सारे टॉपिक्स हैं जब हम बिजनेस एथिक्स पढ़ते हैं। और जो भी आप डिसीजन लेते हो एथिकल लेते हो ताकि कोई भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, कोई भी ब्राइबरी ना ले, कोई भी इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो। तो कोई भी बिजनेस को हमेशा क्या अडॉप्ट करनी चाहिए? एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी चाहिए जिसकी वजह से उनकी अच्छी ब्रांड वैल्यू बने, अच्छी उनकी रेपुटेशन बने। बेसिक क्लियर हो गया ना कि बिजनेस एथिक्स होता क्या है? बिजनेस एथिक रेफर्स टू द मॉरल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन का और इंडिविजुअल्स का बिहेवियर गाइड करते हैं जिसकी वजह से वो जो भी डिसीजन लेते हैं वो बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल, सस्टेनेबल एंड एथिकल होते हैं। अब ऑब्वियसली ट्रस्ट भी बिल्ड होएगा, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका ट्रस्ट बिल्ड होएगा कंपनी पे और कंपनी लॉयल्टी जनरेट करेगी। अगर आपको इन केस नेचर ऑफ बिजनेस एथिक्स आ जाता है, आपको पता है नेचर या फीचर्स कभी भी हमें एग्जाम में आ जाए तो हम अपनी तरफ से पॉइंटर्स बना के आ सकते हैं जो भी हमें चीजें पता है। बेशक आप इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स बना के आओ, बेशक आप उसके टाइप के पॉइंट बना आओ, बिजनेस एथिक का अगर नेचर आ जाता है कुछ भी आप लिख के आ सकते हो अपनी तरफ से। एज सच नेचर ऑफ बिजनेस एथिक्स हम लर्न नहीं करेंगे, एक बार जस्ट ओवरव्यू लेंगे नेचर ऑफ बिजनेस एथिक्स का। क्लियर हुआ? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं, मॉरल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज होते हैं जो डिसीजन मेकिंग को किसी भी बिजनेस में और बिहेवियर को गाइड करते हैं। और बिजनेस एथिक्स आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, फेयरनेस, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर बिजनेस एथिक्स होगा ऑब्वियसली जितने भी स्टेक होल्डर्स होंगे उनका ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बिल्ड होगी उस ऑर्गेनाइजेशन पे फॉर द लॉन्ग टर्म सक्सेस एंड सस्टेनेबिलिटी। अब बिजनेस एथिक्स कैसे शेप होते हैं? तो जो बिजनेस एथिक्स हैं वो एक्सटर्नल फोर्सेस से भी शेप होते हैं और इंटरनल फोर्सेस से भी शेप होते हैं। सो बिजनेस एथिक्स आर शेप्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस जैसे लॉज, रेगुलेशंस, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स वगैरह हो गए। मतलब एक्सटर्नल चीजें बिजनेस एथिक्स को वो कर रही हैं, फोर्स कर रही हैं या शेप कर रही हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। इंटरनल चीजें क्या हो सकती हैं? कोई भी इंडिविजुअल है वो बहुत ही उसकी अच्छी वैल्यूज है, उसकी लीडरशिप अच्छी है, ये सब चीजें। और कई बार पता क्या होता है, एथिकल डिलेमा अराइज हो जाता है, बिजनेस कंफ्यूज हो जाता है यार हम ये करें या ये करें। तो डिसीजन मेकिंग में एथिकल डिलेमा हो जाता है। सो अगर हम एथिकली सोच के वो डिलेमा दूर करेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा बिजनेस के लिए। ठीक है, तो हमें वो स्टडी करना है, उसको एनालाइज करना है सारे पर्सपेक्टिव को, उसके बाद ही एक अच्छा डिसीजन लेना है।
सो अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बिजनेस एथिक्स, आप सबसे पहले बिजनेस एथिक्स समझा के आ सकते हो, देन नेचर ऑफ बिजनेस एथिक्स समझा के आ सकते हो, देन आप बता सकते हो कि बिजनेस एथिक्स कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या सिग्निफिकेंस है। अब मैं आपको सिग्निफिकेंस यहाँ पे नहीं बता रही क्योंकि सिग्निफिकेंस क्या है, यार ऑब्वियसली रेपुटेशन के लिए अच्छा है, ब्रांड वैल्यू के लिए अच्छा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अच्छा है, आपका सस्टेनेबल ग्रोथ होगा, लोग आपको एडमायर करेंगे, आप ट्रस्ट करेंगे, जितने मर्जी पॉइंट्स आप सिग्निफिकेंस के खुद लिख के आ सकते हो। वही नेचर में भी मैंने काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस के पॉइंट्स बताए हुए हैं आपको कि लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, स्टेक होल्डर आपकी ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, रेपुटेशन बढ़ेगा, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा, बैलेंस करोगे सबके इंटरेस्ट, सब कुछ एथिकल होगा, तो आप ये सारे सिग्निफिकेंस में पॉइंट्स लिख के आ सकते हो। उसके बाद स्कोप ऑफ बिजनेस एथिक्स, आप बोलोगे कि बिजनेस एथिक का स्कोप बहुत ज्यादा वाइड है क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा रियल लाइफ में एप्लीकेशंस हैं। क्लियर हो गया ये फर्स्ट क्वेश्चन? ये फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज बिजनेस एथिक्स एंड राइट शॉर्ट नोट ऑन बिजनेस एथिक्स। सो वी विल राइट व्हाट इज बिजनेस एथिक्स, उसका नेचर, उसका सिग्निफिकेंस और उसका स्कोप। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एथिक्स, मॉरल और वैल्यू। हमें यूजुअली लगता है कि जो एथिक्स है या मॉरल्स है या वैल्यूज है, ये सेम ही चीज है और हम यूजुअली इन तीनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, बट हाउएवर इनमें थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा मेन डिफरेंस पॉइंट बता देती हूँ ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो। तो जो हमारा मॉरल वैल्यूज है ना, दैट डिपेंड्स कि आपका पर्सनल बिलीफ क्या है अबाउट समथिंग, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सो मॉरल इज मोर अबाउट अ पर्सनल बिलीफ कि आपके हिसाब से मॉरली वो चीज करेक्ट है या नहीं, तो दैट इज रिगार्डिंग योर पर्सनल बिलीफ अबाउट राइट और रॉन्ग। ठीक है, उसके बाद जो वैल्यूज हैं दे आर द सोसाइटल प्रिंसिपल्स एंड बिलीव्स। सो मॉरल्स पर्सनल बिलीव्स हैं, वैल्यूज सोसाइटल बिलीव्स हैं, इतना क्लियर हुआ। और जो एथिक्स हैं दे आर अ काइंड ऑफ मोर फॉर्मल अप्रोच। तो ये थोड़ी चीजें हम इनफॉर्मल कंटेक्स्ट में बात करते हैं जब हम मॉरल्स या वैल्यूज की बात करते हैं, बट अगर हम फॉर्मली बात करें यूज अ टर्म एथिक्स। सो एथिक्स इज अ मोर फॉर्मल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग, जिसमें आप एथिक्स में प्रॉपरली अप्लाई करते हो एथिक्स को डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में और क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते हो। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा मॉरल क्या है। मॉरल है पर्सनल बिलीव्स, उसके बाद वैल्यूज है सोसाइटल बिलीव्स, सोसाइटल प्रिंसिपल्स, और एथिक्स क्या है, फॉर्मल अप्रोच है टू मॉरल डिसीजन मेकिंग। तो एथिक्स इज लाइक अ अप्रोच। सो मॉरल मैंने आपको बताया, जैसे कि मॉरल क्या है, पर्सनल बिलीफ है अबाउट व्हाट इज राइट अबाउट व्हाट इज रॉन्ग, राइट बिहेवियर क्या है, रॉन्ग बिहेवियर क्या है। अब किसी के पर्सनल बिलीव्स हैं कि ये सही है ये गलत है, वो ऑब्वियसली बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होगा, कल्चरल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर, रिलीजियस फैक्टर्स, और ये पर्सनल है इसलिए सब्जेक्टिव होंगे। कोई चीज किसी बंदे के लिए सही होगी, दूसरे के लिए गलत भी हो सकती है। सो इसी वजह से जो भी उसका बिलीफ होगा उसी अकॉर्डिंग जो पर्सन है वो एक्शंस लेगा और उसी हिसाब से वो डिसीजन लेगा लाइफ में। क्लियर हो गया? आई होप आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी अभी लाइफ में मॉरल्स क्या होते हैं। मॉरल हमारा पर्सनल बिलीफ है अबाउट राइट और रॉन्ग बिहेवियर एंड दैट गाइड्स हमारे एक्शंस एंड हमारे डिसीजंस। नेक्स्ट इज वैल्यूज। वैल्यूज यूजुअली सोसाइटल बिलीफ होते हैं कि कोई भी सोसाइटी या कोई भी ग्रुप क्या चीजें सही मानता है। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि हम मानते हैं ऑनेस्टी अच्छी है, रिस्पेक्ट अच्छी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी है, फेयरनेस अच्छी है। सो ये थोड़ा ऑब्जेक्टिव चीज है जो पूरी एज अ सोसाइटी एज ए लार्ज पे देखी जाती है, और जो सोसाइटी का इंपैक्ट है वो डायरेक्टली इंडिविजुअल्स पे भी पड़ेगा और ऑर्गेनाइजेशन पे भी पड़ेगा। और ये जो सोसाइटी के व्यूज है ना, ये अलग अलग कल्चर और अलग अलग सोसाइटीज में अलग अलग हो सकते हैं। तो वैल्यूज क्लियर हो गया, मॉरल क्लियर हो गया। अभी हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज एथिक्स। एथिक्स मैंने आपको बताया, एथिक्स आर द मॉरल प्रिंसिपल्स। एथिक्स हैं तो मॉरल प्रिंसिपल्स, बट इट इज अ मोर काइंड ऑफ फॉर्मल अप्रोच। मॉरल प्रिंसिपल्स और वैल्यूज ही हैं, बट ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं एथिक्स, एंड गाइड करते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन कैसे बिहेव करेगा। सो एथिक्स इज मोर काइंड ऑफ फॉर्मल अप्रोच एंड एप्लीकेशन बेस्ड। So ethics are more formal and systematic approach to morality where principles are developed and applied to specific situations. इसमें हम proper critical evaluation करते हैं moral values का, moral beliefs का, और इनको apply करते हैं, तो तभी हम professional organization के standards, code of conduct सब चीजें ethics में देखते हैं। ठीक है, so आप बोल सकते हो कि जो ethics है वो थोड़ा broader concept है as compared to values and morals, क्योंकि ethics में हम उनका main application, critical evaluation, formal approach ये सब देखते हैं। अभी छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, डरना नहीं है, बहुत इजी कंसेप्ट हैं, साथ साथ में पढ़ते चलेंगे और बहुत मजा आने वाला है नेक्स्ट कंसेप्ट में। अभी हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है, कंसेप्ट वाइज कंसेप्ट लेके चलेंगे, कभी भी लाइफ में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी पढ़ते हुए। नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटी आपने बहुत बार इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, है ना? यूटिलिटी मतलब आपको हमेशा जब आप यूटिलिटी पढ़ते थे इकोनॉमिक्स में, तो यूटिलिटी का बेसिक मतलब क्या होता था, आपको अपनी सेटिस्फैक्शन लेवल को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। हमेशा हम यही पढ़ते आए हैं यूटिलिटी का मतलब। सो यूटिलिटेरियनिज्म इज अ
फिलोसॉफिकल थ्योरी, कैसी थ्योरी है, फिलोसफी बेस्ड थ्योरी है, जिसका मतलब है आपको वो वाला एक्शन करना है, वो वाला बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन चूज करना है जिससे सभी की हैप्पीनेस और वेलबींग ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल की मैक्सिमाइज हो जाए, मतलब जितने ज्यादा यार लोगों को आप खुश कर सको और उनकी वेलबींग के बारे में सोच सको वो करना है। सो यूटिलिटेरियनिज्म, यूटिलिटी का मतलब होता है आपको मैक्सिमाइज करना है ना, यूटिलिटी का मतलब आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन किस चीज में मिलेगी, मुझे तो पर्सनली उस चीज में मिलेगी, किसी भी इंसान को उसी चीज में मिलेगी ना ऑब्वियसली, जब आप सभी लोगों की हैप्पीनेस और सभी की वेलबींग को ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल की जो हैप्पीनेस है या उनकी वेलबींग है उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करोगे। सिंपल कंसेप्ट समझ आ गया, अंदर आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन में लिख के आ सकते हो। सो यूटिलिटी का मतलब है बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन चूज करना, दैट वन मैक्सिमाइजेस द ओवरऑल हैप्पीनेस और वेलबींग ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। तो अगर आपको पता ये ना, इसमें ना हल्का सा नाम याद कर लेना, बस थोड़ा सा इसमें हार्डवर्क कर लेना इस सब्जेक्ट में, कि ये किसने दिया था, ये बेंथम एंड His disciple John मिलने दिया था। तो आप जेरेमी एंड जॉन ये याद रख लो कि जो utilitarianism का concept है ये किसने दिया था, जेरेमी एंड जॉन, जेरेमी एंड जॉन ने दिया था कि आप ऐसा action choose करो जिसमें overall happiness and well-being of greatest number of people हो, ठीक है। So at this core utilitarianism is a थ्योरी है, ये एथिकल थ्योरी है कि आपको ध्यान रखना है कि अपने consequence, अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो तो उसकी intention से ज्यादा आपको उसके consequences पे ध्यान रखना है, ठीक है। कई बार हमारी इंटेंशन सही होती है, बट ये नहीं जरूरी कि आपको हमेशा इंटेंशन ही देखनी है, आपको ये भी देखना है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे किसी भी चीज के। फॉर एग्जाम्पल, आपके एक्शंस तो मॉरली राइट है इफ दे प्रोड्यूस ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ गुड टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, एंड रॉन्ग इफ दे फेल टू डू सो। आपके एक्शंस तभी सही होंगे जब काफी ज्यादा लोगों को उस चीज से खुशी मिलेगी, और गलत तब होंगे जब लोग खुश नहीं होंगे उस चीज से। सो यूटिलिटेरियनिज्म अस्यूम्स दैट ह्यूमंस आर रैशनल, क्योंकि हमें पता है ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर रैशनल, और उन्हें क्या होता है कि उनको प्लेजर्स को हमेशा हमें लाइफ में क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है और मिनिमाइज करना है पेन को। तो अल्टीमेट गोल हमारी जिंदगी का, हमारी ह्यूमन लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है, कि आपको लोगों की हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज करना है और उनकी सफरिंग को रिड्यूस करना है। क्लियर हो गया? सो इन प्रैक्टिस इसका मतलब है इंडिविजुअल्स को कंसीडर करना है कि जो भी वो काम कर रहे हैं उनके एक्शंस का क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। सो उनको वही एक्शन चूज करना है जिससे सबसे ज्यादा लोगों को खुशी मिले, ताकि वो बैलेंस कर सके कंपीटिंग इंटरेस्ट को और सभी स्टेक होल्डर्स की नीड्स वगैरह को सोच सके, ठीक है। अब इसमें ना इसका एक क्रिटिक है, क्रिटिक्स ने क्या कहा है इसमें, कि इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन कि कौन सा एक्शन है जो ग्रेटेस्ट गुड के लिए होगा। अब आप ही बता दो कि कौन सा एक्शन होगा जो ग्रेटेस्ट गुड के लिए होगा। सो क्रिटिक्स का ये व्यू है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन और मैयर कि ऐसा कौन सा एक्शन होगा जो पूरी की पूरी कम्युनिटी को या बहुत सारे लोगों को अच्छा फील करवाएगा। सो इसमें क्या होता है, कई बार पूरी सोसाइटी के लिए तो अच्छा होता है बट खुद इंडिविजुअल के लिए अच्छा नहीं होता। सो इट कैन लीड टू द सैक्रिफाइस ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, फ्रीडम, राइट्स, क्योंकि अगर हम हमेशा ग्रेटेस्ट गुड के बारे में सोचें तो कभी कभी ये भी हो सकता है कि हमारे खुद के राइट्स या हमारी खुद की खुशी ही ना हो उस चीज में, ठीक है। सो डिस्पाइट दिस क्रिटिसिज्म ये थ्योरी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल और वाइडली एक्सेप्टेड रही है। सो अगर आपको, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो ये वाली थ्योरी है यूटिलिटेरियनिज्म की, ये जेरेमी एंड जॉन ने दी थी, ठीक है। सो इसका मतलब है कि हमें ऐसे काम करने हैं जो पूरी सोसाइटी के लिए अच्छे हों। तो इसमें ना दो वर्जन है, एक तो जेरेमी का वर्जन है और एक जॉन का वर्जन है, ठीक है, जॉन मिल का वर्जन एंड जेरेमी बेंथम का वर्जन। तो हम दोनों वर्जन थोड़ा थोड़ा देख लेंगे ताकि अगर हमें एग्जाम में इसको लेंथी बनाना है तो हम इजीली लेंथी बना के आ सके। सो जेरेमी ने क्या कहा, जेरेमी सेड कि जो मोरालिटी ऑफ एन एक्शन और पॉलिसी है वो एक मेथड से प्रपोज होती है जिसको हम बोलते हैं हेडोनिक कैलकुलस। ये टर्म आप अगर याद करना चाहो आप लर्न कर सकते हो, इफ यू वांट स्किप यू कैन स्किप और यू कैन अटेम्प्ट एनी अदर क्वेश्चन इन द एग्जाम। तो ये स्किप भी वैसे भी कर सकते हो कि आप मोरालिटी और ऑफ एक्शन अगर मेजर करना चाहते हो तो एक मेथड यूज कर सकते हो, दैट इज हेडोनिक कैलकुलस, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर हम किसी भी एक्टिविटी की इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, रिमोटनेस, प्योरिटी, एक्सटेंट, पेन, प्लेजर कुछ भी मेजर करना चाहते हैं हम इस कैलकुलस से यूज कर सकते हैं। इसका मेन मकसद क्या था कि वही हमारी जो इस मेन थ्योरी का मोटिव था कि आपको एथिकल डिसीजंस लेने हैं जो मैक्सिमाइज करें लोगों की हैप्पीनेस और प्लेजर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल की, ठीक है। बस इसमें उसने एक टर्म यूज करी थी, दैट इज हेडोनिक कैलकुलस। किसने यूज करी थी, जेरेमी ने। जेरेमी ने एक टर्म यूज करी थी हेडोनिक कैलकुलस। नेक्स्ट है जॉन का वर्जन। जॉन ने ना पता क्या कहा, जॉन कहता कि न्यू सेंसेस और कम्प्लेक्सिटीज को उसने ऐड कर दिया कि आपको ना हमेशा ध्यान रखना है, आप देख रहे हो कि लोगों को मैक्सिमाइज, लोगों की हैप्पीनेस और प्लेजर को आपको मैक्सिमाइज करना है ज्यादा से ज्यादा लोगों की, बट उसको आपको बैलेंस आउट करना है विद द क्वालिटेटिव डिफरेंसेस इन प्लेजर। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि कई बार क्वालिटेटिव बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं तो उनको भी आपको कंसीडर करके चलना है। तो उसने कम्प्लेक्सिटीज और न्यू सेंसेस को इंपॉर्टेंस दी थी।
तो हमने बस इतना ही पढ़ा कि जेरेमी ने क्या कहा, हैंडो ने कैलकुलस को आप मेथड यूज कर सकते हो, और जॉन ने क्या कहा, यू शुड ऑल्सो कंसिडर क्वालिटेटिव डिफरेंसेस इन द प्लेजर एंड उनको बैलेंस करो विद द इंडिविजुअल राइट्स। ये नहीं कि आप सबकी हैप्पीनेस को कंसिडर कर जा रहे हो, इंडिविजुअल अपने राइट्स ही नहीं बैलेंस कर पा रहा, सो आपको साथ में इंडिविजुअल्स के राइट्स को भी बैलेंस आउट करना है। क्लियर हो गया? अब ना एक चीज ध्यान रखना, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज अच्छी हो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल के लिए, बट आपको फिर भी ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल आप यूटिलिटेरियनिज्म किस चीज में लगाओगे, फॉर एग्जाम्पल लोगों को मार रहा है कोई, तो उसमें खुशी मिलेगी ज्यादा लोगों को, नहीं मिलेगी ना, सो ये चीज गलत है। उसके बाद स्टीलिंग है, ये भी चीज गलत है। एजुकेशन है, इसमें ज्यादा लोगों का भला होएगा, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल का जो हैप्पीनेस है वो मैक्सिमाइज होएगा, सो दैट इज गुड। पॉल्यूटिंग, ज्यादा लोगों का हैप्पीनेस नहीं है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल का, सो दैट इज बैड। सो ऐसे हम हर एक लाइफ के कंटेक्स्ट में यूटिलिटेरियनिज्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब एक और चीज है इसमें कि ऑब्जेक्शन कॉन्सिक्वेंसेज माइट नॉट बी इनफ, कि अगर आप देखते हैं ना हमेशा कि ज्यादा लोगों का भला हो, ये चीज हमेशा सही नहीं है, इस पे कुछ ऑब्जेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला करना है, बट आप में क्या एक चीज ध्यान रखो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी ने बोला कि आपको किसी को मार देना है, और फॉर एग्जाम्पल किसी भी बंदे को मार के जो भी उसके ऑर्गन है वो आप जो डोनेट करोगे उससे 5 लोगों की लाइफ सेव हो जाएगी, क्या ये सही है या नहीं यूटिलिटेरियनिज्म कंसेप्ट के अकॉर्डिंग? अगर हम सिर्फ कॉन्सिक्वेंस देखें उस हिसाब से, तो यार एक बंदा जा रहा है, उस बंदे की मरने की वजह से 5 लोगों की जान बच रही है, बट हमने एक्शन मैक्सिमाइज कर दिया, बट ये गलत है, क्योंकि इट सजेस्ट दैट इट इज इनकम्प्लीट। ये जो कंसेप्ट है यूटिलिटेरियनिज्म का, ये इनकम्प्लीट है। हमने उसके राइट्स, खुद के राइट्स को वायलेट नहीं करना है, बेशक उससे मैक्सिमाइज का भला हो रहा है, तो ये चीज हमेशा याद रखना, ये ऑब्जेक्शन है। इसी वजह से जो ये कंसेप्ट है यूटिलिटेरियनिज्म का, ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि हमें राइट भी देखना है कि उसके इंडिविजुअल राइट्स वायलेट ना हो, इवन मैक्सिमाइज गुड हो। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अगर आपको यूटिलिटेरियनिज्म आ जाता है, आप पहले ये पूरा कंसेप्ट समझा के आओगे, इसके एप्लीकेशंस बता सकते हो रियल लाइफ में, जेरेमी का कंसेप्ट बता सकते हो जिसमें कैलकुलस के बारे में लिख सकते हो, जॉन का कंसेप्ट बता सकते हो जिसमें इंडिविजुअल राइट्स के बारे में लिख सकते हो, एप्लीकेशन लिख सकते हो और ऑब्जेक्शंस लिख सकते हो ये एग्जांपल के साथ, कि अगर कोई बंदे को मार के हम उसके ऑर्गन्स 5 बंदों को डोनेट करें उसकी लाइफ से, 5 लोगों की लाइफ सेव करेंगे, स्टिल इट वुड बी रॉन्ग। ठीक है, बिकॉज द यूटिलिटेरियन कंसेप्ट थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, कि उसने ये तो बोला कि राइट्स वायलेट नहीं होने चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये तो है ही कि मैक्सिमाइज करो गुड, बट इंडिविजुअल राइट्स शुड नॉट बी वायलेटेड। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है हमारा कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सलिज्म। कौन सा कंसेप्ट? यूनिवर्सलिज्म। अब आपको ये टर्म नाम से ही क्लियर हो रहा है, यूटिलिटी का मतलब था मैक्सिमाइज करना, यूटिलिटी मैक्सिमम कर रहे हैं हम गुड। अब यूनिवर्सलिज्म किस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है? द फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सलिज्म किससे ड्राइव्ड है? यूनिवर्सल वर्ड से। इसका मतलब ये होता है कि इंडिविजुअल्स टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम दैट दे कैन एट द सेम टाइम विल डू टू बिकम अ यूनिवर्सल लॉ। ये अभी मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। देखो, एक्ट ओनली अकॉर्डिंग टू दैट मैक्सिम बाय विच यू कैन एट द सेम टाइम विल दैट इट शुड बिकम अ यूनिवर्सल लॉ। ये हमारे यूनिवर्सलिज्म का थ्योरी कहता है कि आपको ऐसे एक्ट करना है जैसे मैक्सिमम हो उस टाइम पे। इसका मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी सिचुएशन में हो या कोई भी एक्शन है, इसका बेसिक मतलब बताऊं, अगर आप कोई भी एक्शन कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, अगर आप सपोज झूठ बोल रहे हो, कि आप चाहोगे पूरी दुनिया झूठ बोले, मतलब एट द सेम टाइम आप चाहते हो कि वो चीज यूनिवर्सल लॉ बन जाए। अगर आप सच बोल रहे हो तो आप चाहते हो कि वो चीज यूनिवर्सल लॉ बन जाए, सो आपको ऐसे एक्ट करना है कि सारी की सारी दुनिया आगे से वही करेगी, वो यूनिवर्सल लॉ बन जाएगी वो चीज। तो फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलिज्म, यूनिवर्सलिज्म रिक्वायर्स कि हमें सिर्फ वैसे ही एक्ट करना है कि अगर वो हम कर रहे हैं, सो दैट वुड बिकम यूनिवर्सल लॉ, एट द सेम टाइम विल टू बिकम अ यूनिवर्सल लॉ। सो एक्ट ओनली अकॉर्डिंग टू दैट मैक्सिम बाय विच यू कैन एट द सेम टाइम दैट इट विल बिकम अ यूनिवर्सल लॉ। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप झूठ बोल रहे हो, सो झूठ यूनिवर्सल लॉ बन जाएगा। अगर आप सच बोल रहे हो तो ये सोचो कि ये सारे लोग सच बोलेंगे, कितना अच्छा हो जाएगा। तो ये सब चीजें सोच के देखो कि वो यूनिवर्सल लॉ बन जाए। दिस मीन्स दैट व्हेन वी कंसीडर एन एक्शन इज मॉरली राइट और रॉन्ग, वी शुड आस्क आवरसेल्फ वेदर वी शुड बी विलिंग टू सी दैट एक्शन बिकम अ यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ का बेसिक मतलब ये होता है कि सारे के सारे बंदे सिमिलर सिचुएशन में सेम चीज फॉलो करें। अगर हमें अच्छा नहीं लग रहा कि ये चीज यूनिवर्सल लॉ बन जाए कि सारे के सारे बंदे ही वो चीज करेंगे, जब भी वो सेम सिचुएशन आएगी तो वो चीज मॉरली इम्परमिसिबल होगी, कि वो चीज गलत होगी। तो अगर आप चाहते हो कि सारे लोग वैसे ही करें, तो यू शुड डू दैट, दैट इज मॉरली राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी सिचुएशन है वो मॉरली रॉन्ग है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल झूठ बोलने की बात होगी, अगर आप चाहोगे कि सिमिलर सिचुएशन में सारे लोग झूठ बोलें, तो
ठीक है, वो ठीक है फिर वो चीज़, अगर आप नहीं चाहते कि सारे लोग झूठ बोलें वो सेम चीज़ में और वो लाइंग यूनिवर्सल लॉ ना बने, तो मॉरली वो चीज़ गलत हुई। समझ आ गए, सिंपल सी चीज़ है। तो इसमें द फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल लॉ इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ट्रीटिंग पीपल एज एंड्स इन देमसेल्व्स रेदर देन मेयरली एज मीन्स टू एन एंड। सो इट रिक्वायर्स दैट वी रिस्पेक्ट द डिग्निटी एंड ऑटोनॉमी ऑफ अदर्स एंड कंसीडर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आर एक्शंस फॉर ऑल इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व, कि सिर्फ हम हमारे बारे में ही ना सोचें, हम सारे के सारे लोगों के बारे में सोचें। अब अगर एग्जाम में आपको यूनिवर्सलिज्म आ जाता है, आप एग्जाम्पल लाइंग वाला ले सकते हो, यूनिवर्सलिज्म का मीनिंग समझा के आ सकते हो। उसके बाद ना एक थ्योरी है यूनिवर्सलिज्म की, जो किसने दी है, कैंटियन एथिकल थ्योरी है। कौन सी थ्योरी? कैंटियन एथिकल थ्योरी। तो इसके हम प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं ताकि हमें यूनिवर्सलिज्म का कंसेप्ट है जो अच्छे से समझ आता है। सो इसके जो कैंटियन एथिकल थ्योरी है, इसके क्या क्या प्रोज हैं, कि जब भी हम यूनिवर्सलिटी की बात करते हैं तो हम एथिकल प्रिंसिपल्स देखते हैं और हम सारी चीज़ें अच्छे से कंसीडर करते हैं, हम प्रॉपर रीजन लेते हैं, प्रॉपर रैशनल लेते हैं, पर्सनल बायसेस को रिमूव करते हैं और इमोशंस फ्रॉम डिसीजन मेकिंग, ये सब चीजें हम कंसीडर करके इसको रिमूव करके चलते हैं। हम इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी और ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करते हैं, हर एक इंडिविजुअल्स को इक्वल ट्रीट करते हैं, उनको रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते हैं, फेयरनेस देते हैं, फोकस करते हैं ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन पे, कंसिस्टेंसी पे, एथिकल डिसीजन मेकिंग पे। सो ये आप अपनी तरफ से वही जो हमने यूनिवर्सलिज्म के प्रोज या फायदे पढ़े उसमें लिख के आ सकते हो कि दीज आर द प्रोज ऑफ द कैंटियन एथिकल थ्योरी। अब ये थोड़ा सा देख लेना, अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना, यू कैन लर्न द प्रोज ऑफ द कैंटियन एथिकल थ्योरी। उसके बाद कॉन्स क्या है, कॉन्स क्या है, ओवर एम्फेसिस कर देते हैं समटाइम्स इंडिविजुअल्स, अपने नीड्स को भूल जाता है, ओवर एम्फेसिस कर देते हैं हम ड्यूटीज को और ऑब्लिगेशंस को, कई बार लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी और अडैप्टेबिलिटी नहीं होती, हम बहुत ही ज्यादा रिजिड हो जाते हैं, कई बार हम बहुत ही ज्यादा ओवरलुक कर देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम इमोशनल वाली चीजों को इससे रिमूव करके रखते हैं, तो हम बहुत ही ज्यादा ओवरलुक कर देते हैं इंडिविजुअल्स के इमोशंस को और इंट्यूशंस को। ठीक है, कई बार हम ये जो हम पढ़ लेते हैं ये सब कुछ, पर जब हम रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं ना, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ये सिर्फ किताबी बातें हैं, है ना। और यूनिवर्सलिटी प्रिंसिपल खुद के भी बहुत सारे क्रिटिसिजम्स हैं कि हम डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को, कंटेक्चुअल डिफरेंसेस को ये कंसीडर नहीं करते, सो दैट इज ऑल्सो अ कॉन, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं कल्चर्स में भी, कंटेक्स्ट में भी, ये भी आपको सबको पता ही है। ठीक है, ये थोड़ा बेसिक सा है, वैसे यूनिवर्सलिज्म से इजी है अटेम्प्ट करना यूटिलिटेरियनिज्म, सो चांसेस ये देख लेना कि यूटिलिटेरियनिज्म अटेम्प्ट करो, बट अगर इनकेस डिफरेंस आ जाता है तो आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे आई गेस। ठीक है, तो अगर डिफरेंस आ जाता है तो अच्छा हो जाएगा यूटिलिटेरियनिज्म और यूनिवर्सलिज्म का, तो वो अटेम्प्ट कर सकते हो इजिली। ठीक है, अब हम इजी इजी टॉपिक्स पे आ गए हैं, थोड़े इजी इजी टॉपिक्स हैं, साथ साथ करते चलेंगे। नंबर वन इज थ्योरी ऑफ राइट्स। थ्योरी ऑफ राइट्स क्या होता है? ठीक है, सो थ्योरी ऑफ राइट्स क्या कहती है? थ्योरी ऑफ राइट्स एक पावरफुल कंसेप्ट है, मतलब अगर हम चाहते हैं सोशल जस्टिस हो, इंडिविजुअल फ्रीडम हो, प्रॉपर ह्यूमंस को डिग्निटी मिले, तो हमें थ्योरी ऑफ राइट्स पे फोकस करना चाहिए। तो इसके लिए हमें राइट्स का नेचर और स्कोप समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम पूरी सोसाइटल वैल्यूज और इंटरेस्ट के बारे में सोचेंगे तो हम ये ना हो कि उन चक्कर में जो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है उसको हम वायलेट कर दें। सो इंडिविजुअल राइट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो की पॉइंट्स क्या है थ्योरी ऑफ राइट्स के, कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं, की कंसिडरेशन देख लेते हैं। एक तो है कि जो राइट्स हैं, राइट्स इनहेरेंट होते हैं, कि ये नहीं कि वो आपको कोई बार स्टेट ग्रांट करिए, कुछ राइट्स होते हैं जो हमें स्टेट ग्रांट करती है, बट जो राइट्स हैं यूजुअली वो इनहेरेंट होते हैं और इनअलाइनेबल होते हैं। राइट्स के कुछ थ्योरी ऑफ राइट्स के कुछ की पॉइंट्स हैं, ये की पॉइंट्स को क्रैम कर जाना, लर्न कर जाना, कि राइट्स आर एनफोर्सेबल, मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई आपके राइट्स को वॉयलेट कर रहा है आप एनफोर्स कर सकते हो, आप सोसाइटी में जाके उसके बारे में जस्टिस सीक कर सकते हो। ठीक है, राइट्स इंपोज ऑब्लिगेशन ऑन अदर्स, अगर आपके ऊपर इन्फोर्सेबल है तो ऑब्वियसली अदर्स के ऊपर भी ऑब्लिगेशन होगी उस चीज़ की। ठीक है, सो वो सेम ही चीज़ है कि हर एक के राइट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए और प्रोटेक्ट करना चाहिए। राइट्स आर इंडिविजिबल, ये नहीं कि आप राइट्स को तोड़ दो। सो राइट्स हैव अ वाइड रेंज ऑफ इंटरकनेक्टेड राइट्स, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप राइट्स को सेपरेट कांट भी सेपरेटेड, तो हम उनको डिवाइड नहीं कर सकते, प्रायोरिटाइज कर सकते हैं हाउएवर, पर उनको हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, राइट्स आर यूनिवर्सल, सभी बंदों को उसी सेम कास्ट के, रिलीजन के, जेंडर के, वो सेम एंटाइटलमेंट्स और सेम प्रोटेक्शन मिलती हैं। सो राइट्स क्या है? इनहेरेंट है। आप ये पांच टर्म याद रख लो, राइट्स क्या है? इनहेरेंट है, इंडिविजिबल है, कैसे है? इनहेरेंट है, इंडिविजिबल है, यूनिवर्सल है। ठीक है, उसके बाद इम्पोज कर सकते हैं राइट्स को, उसके बाद एनफोर्स कर सकते हैं। तो ये पांच टर्म याद रख लो, अगर थ्योरी ऑफ राइट्स आ जाता है इनको ही डिटेल में एक्सप्लेन कराना, कि राइट्स आर इनहेरेंट, राइट्स आर इंडिविजिबल, राइट्स आर यूनिवर्सल, राइट्स इंपोज ऑब्लिगेशन ऑन अदर, एंड राइट्स आर एनफोर्सेबल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अगर आपको अब थ्योरी ऑफ जस्टिस आ जाता है, आपको पता है जस्टिस भी होनी चाहिए, है ना, सबको फेयरनेस के साथ ट्रीट करना चाहिए, तभी हमारा जुडिशियल सिस्टम है ना, टू प्रोवाइड द जुडिशरी, एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, हम जनरल टर्म्स में ये बात करते हैं, है ना। सो थ्योरी ऑफ जस्टिस इज अ
physiological concept that explores that the nature of fairness and the principle should guide the distribution of benefits and burdens of the society. कि सब में जो benefits हैं वो equally बटे हों. So theory of justice के according हम different kinds of justice पढ़ते हैं. Different kinds of justice पढ़ते हैं ताकि हमें properly clear हो जाए. तो हम main 5 तरह की justice पढ़ते हैं. ये दोबारा रिपीट में आ गया तो इसको कट कर देते हैं हम. डिफरेंट काइंड्स ऑफ जस्टिस ये हमने ऊपर एक बार पढ़ी लेंगे, ठीक है. सो 5 तरह की जस्टिस है. देखो अगर आपको थ्योरी ऑफ राइट्स आता है, आप राइट्स के की पॉइंट्स या की पॉइंट्स लिख के आ सकते हो. तो उसमें आप लिखोगे राइट्स इनहेरेंट है, यूनिवर्सल है, इंडिविजिबल है, इम्पोज ऑब्लिगेशन करते हैं, और राइट्स इनफोर्सेबल है. आई होप आपको साथ साथ लर्न हो रहा होगा वीडियो देखते हुए. प्लीज जिन्होंने भी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट नहीं किया यू कैन, बिकॉज दैट बूस्ट माई मोरल कि आपके लिए मैं और अच्छा कंटेंट बनाऊँ. चलो नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ जस्टिस. थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या कहती है कि आपको हमेशा जस्टिस के ऊपर ध्यान देना है कि सबके सभी बंदों को इक्वल बेनिफिट्स मिले. सो डिफरेंट काइंड ऑफ जस्टिस होती है. हम 5 तरह की जस्टिस पढ़ेंगे. डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, रिट्रीब्यूटिव जस्टिस, रिस्टोरेटिव जस्टिस, प्रोसीजरल जस्टिस, करेक्टिव जस्टिस. पहले इन सभी के नाम याद कर लो. 5 तरह की हम जस्टिस पढ़ने वाले हैं. 5 मेन तरह की जस्टिस कौन कौन सी है? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, रिट्रीब्यूटिव जस्टिस, रिस्टोरेटिव जस्टिस, प्रोसीजरल जस्टिस, करेक्टिव जस्टिस. ठीक है, इस वीडियो में हम सिर्फ इसी टॉपिक तक कवर करने वाले हैं. देखो अभी फर्स्ट यूनिट थोड़ा सा लेंथी है, सो इसका मैं पार्ट 2 डाल दूंगी, क्योंकि ये वीडियो की बहुत ज्यादा लेंथ ना हो इसलिए मैं वीडियो को यहीं तक रख रही हूँ. इसके बाद इसका हम पार्ट 2 कर लेंगे, ठीक है. फर्स्ट यूनिट का थोड़ा सा ही सब्जेक्ट होता है. अगर आप एक दिन पहले पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट इतना टाइम आप दे सकते हो कि आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सको. सो मैं आपसे ज्यादा टाइम नहीं मांगती, वैसे भी मैं बहुत शॉर्ट में ट्राई करती हूँ यूनिट्स को कवर करने का. सो थोड़ा सा हार्ड वर्क कर लो ताकि एटलीस्ट अब पास हो जाओ. पूरे सेमेस्टर में तो हम कुछ पढ़े नहीं, सो एटलीस्ट अब थोड़ा फोकस होकर पढ़ लो, ठीक है. थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है? थ्योरी ऑफ जस्टिस आपको बताया फेयरनेस होनी चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स होनी चाहिए. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स से ही दो बन गए, एक तो हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और एक हो गया रेट्रीब्यूटिव जस्टिस. उसके बाद रिस्टोरेटिव, प्रोसीजरल और करेक्टिव, 3-5 नाम याद हो गए. डिस्ट्रीब्यूटिव, रिट्रीब्यूटिव, रेस्टोरेटिव, प्रोसीजरल और करेक्टिव जस्टिस. ये 5 जस्टिस के नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखोगे ताकि आपको ये 5 जस्टिस के नाम लर्न हो जाए, ठीक है. तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब ये होता है कि जो भी बेनिफिट्स हैं या कोई भी बर्डन्स है, बर्डन सिर्फ हम बेनिफिट्स की नहीं बात करें, हम बर्डन्स की भी बात करें. कोई भी सोसाइटी में कोई भी बेनिफिट है या कोई भी बर्डन है उसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इनकम है, वेल्थ है, अपॉर्चुनिटीज है, ये तो बेनिफिट्स है ना, इनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कि सभी बंदों को सारे रिसोर्सेज का इक्वल एक्सेस हो ताकि वो सारे इंसान एक डिग्निफाइड लाइफ जी पाए. कोई भी ऐसा फील ना करे कि यार मैं बहुत ही डिसएडवांटेजेस हूँ और उसको अपॉर्चुनिटीज से अलगली एक्सक्लूड करके रखा जा रहा है. सो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है फेयरली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट है रेट्रीब्यूटिव जस्टिस. रेट्रीब्यूटिव का मतलब होता है कि आप उनको जो भी गलत कर रहा है उसको पनिश करो. जैसे आपने हमारे जुडिशियल में देखा होगा जो भी मर्डर करता है उसको भी सजा मिलती है ना. सो अगर कोई भी बंदा गलत है तो उसको उसके एक्शंस के लिए अकाउंटेबल होना चाहिए, रिट्रीब्यूट करना चाहिए और उसको अकाउंटेबल रख के उसके एक्शंस के लिए उसको पनिशमेंट्स देनी चाहिए कि अगर वो गलत बिहेव कर रहा है या हार्मफुल बिहेव कर रहा है उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने चाहिए. तो दैट इज रेट्रीब्यूटिव जस्टिस. रिस्टोरेटिव का मकसद क्या होता है? रिस्टोरेटिव का मतलब होता है रिपेयर करो हार्म और रिस्टोर करो रिलेशनशिप. रिस्टोर का मतलब होता है सेट करना दोबारा. रिस्टोर किसको करेंगे? रिलेशनशिप्स करेंगे बिटवीन द विक्टिम्स एंड ऑफेंडर्स. कि अगर आप हार्मफुल बिहेव करते हो तो आपको हीलिंग के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए, रिकंसिलिएशन के ऊपर डिपेंड वो करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि उनके बीच में जो भी वो है कन्फ्लिक्ट है उनको आप रिजोल्व करने की कोशिश करो. रिलेशनशिप बिटवीन विक्टिम एंड ऑफेंडर को सेट करने की, रिस्टोर करने की कोशिश करो. प्रोसीजरल का मतलब होता है कि अगर आप चाहते हो कि सबको जस्टिस मिले तो जो प्रोसेस है जस्टिस का, नाम से ही क्लियर हो रहा है, प्रोसीजरल, प्रोसीजर जो है जस्टिस का वो भी फेयर होना चाहिए. जो प्रोसेस आप यूज कर रहे हो वो भी फेयर होना चाहिए. सो आपको है कि हर एक बंदी की प्रॉपर सुनवाई हो, ये नहीं कि आपने सिर्फ एक ही पक्ष सुन लिया, सबकी सुनवाई होनी चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट इज करेक्टिव जस्टिस. कि अगर आप कुछ गलत हो जाता है तो वो बंदा उसको कंपेंसेट करे. फॉर एग्जांपल आपने बहुत बार देखा होगा जो कंज्यूमर कोर्ट्स होती हैं उनमें अगर कोई कंपनी गलत करती है तो उनको पैसा देना पड़ता है ना. सो अगर आप कुने कुछ गलत कर दिया तो उसको प्रॉपरली रीएड्रेस करो और उसको प्रॉपरली कंपेंसेट करो. सो नाम से ही क्लियर हो गया. डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब सब में इक्वल बांटो. रिट्रीब्यूटिव का मतलब है अगर कोई गलत कर रहा है उसको सजा दो. रिस्टोरेटिव मतलब जो विक्टिम्स हैं और ऑफेंडर्स हैं उनके रिलेशनशिप्स को सेट करने की कोशिश करो. प्रोसीजरल का मतलब होता है कि जो भी आप प्रोसीजर यूज कर रहे हो उसको लीगली सपोर्ट करने के लिए वो प्रोसीजर बिल्कुल सही और जस्टिफाइड होना चाहिए. आप सारे पक्षों की सुनो, इम्पार्शियल हियरिंग करो. करेक्टिव जस्टिस मतलब अगर कुछ हो जाता है तो उसको प्रॉपरली कंपेंसेट करो और प्रॉपरली रिड्रेस करो. आई होप आपको अब ईजी लग रहा होगा. कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स एक या दो बार वीडियो देखोगे तो दोबारा तो आपको अच्छे से हो जाएगा. इसका पार्ट 1 आ गया, इसका पार्ट 2 भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी क्योंकि थोड़ा सा यूनिट लेंथी था इसलिए एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, ठीक है.